रानी परी, शुक्र है कि महागजनी इस समय शांत है। हाँ, लगता है उन्हें हमारी बात समझ आ गई है कि गज्जू हमारे पास नहीं है। नहीं, हमें तो महागजनी की ये शांति किसी बड़े तूफान की ओर इशारा करते हुए नजर आ रही। जी, मुझे क्यों बुखार है? कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं? रुकिए बालवीर, हम अभी पता लगाते हैं। महाकशनी पृथ्वी लोक पे? रानी परी, महाकशनी का पृथ्वी लोक में होना बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। कहीं महागजनी अपने बच्चे के खोने का गुस्सा दूसरों के बच्चों पर ना निकाल दे। अगर किसी भी बच्चे को थोड़ी सी भी खरोच आई तो मैं महागजनी का अंत कर दूंगा रानी परी। नहीं बालवीर, आप महागजनी पर वार नहीं करेंगे। परियों, आप सब समझने की कोशिश कीजिए। महागजनी जो कुछ भी कर रही है अपने पुत्र को खोने के दुख में कर रही है, और उनके इस हाल के जिम्मेदार हम खुद हैं। पर मैं यहाँ खड़े रहकर ऐसे बच्चों को चोट पहुँचते हुए तो नहीं देख सकता ना रानी परी? आप चिंता मत कीजिए बालवीर, हम ऐसा भी नहीं होने देंगे। अभी हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप पृथ्वी लोक में जाकर बच्चों की सुरक्षा कीजिए, और किसी भी तरह महागजनी से थोड़ा समय मांगिए ताकि हम किसी भी तरह गज्जू को ढूंढ कर महागजनी को वापस कर सके। हाँ बालवीर, आप जाइए, बच्चों को संभालिए। ठीक है रानी परी। वो हमारे तरफ ही क्यों आ रहा है? लगता है बालवीर का नाम सुनकर उसे गुस्सा आ गया है। एक काम भी ठीक से किया था मैंने इसे। मैंने क्या किया? बालवीर को बुलाने का आइडिया दिया ही था ना। तुम लोग जाकर बंद करो प्लीज। अरे बाबू क्या करें? एक काम कर, वो यहाँ पे वेट कर, और जब वो आएगा ना तो उससे हैंड चेक करना। अरे एक मिनट रुको, मुझे कम से कम पता करना चाहो इसके हैंड्स कौन से, आगे वाले हैं पीछे वाले हैं। अरे अरे वानी 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 उठ वानी उठ उठ ना। अरे भाग भाग। कैसे आ सकता है? मोंटू बॉस तो अपनी जगह पर ही खड़े हैं। लगता है तुम्हारा बाहर निकलने का मन नहीं है। अरे बस बस, अब तो बुरा मान गए। बस हमें प्लीज बाहर निकालो ना। अब सॉरी सॉरी प्लीज, ये तो नादान है। ठीक है। बस हो गया। मतलब प्लीज रस्सी नीचे फेंको। हाँ प्लीज। ये लो। नहीं, हाँ जा, जा, जा। मोंटू बॉस, रस्सी तो खींचो। अरे हाँ। टावर नहीं केवल बिल्डिंग, मतलब मोंटू बॉस। ए बेवकूफ, उठाओ मुझे। क्यों बेवकूफ, गिरे तो गिरे, मुझे भी साथ में लेकर गिरे। बस उनको छोड़ो। क्यों? और वो कहावत तो आपने सुनी होगी। कौन सी? जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो खुद ही उसमें गिरता है। से हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने मुझे धक्का दिया? हाँ? अरे मारना ही था तो लात मार दे, घूसा मार दे, धक्का क्यों मारा? मैंने इसे जानबूझकर धक्का नहीं मारा, गलती से लग गया। नहीं, मानव ने जानबूझकर धक्का मारा और जानबूझकर मुझे यहाँ गिराया है। मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि तू मुझसे जलता है इसलिए। पहले
पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें इतनी फुल स्पीड में भागने की क्या जरूरत थी? हाँ, टकरा गए ना दीवार से, टूट गया ना सर। चुप करो और इन्हें बोलने दो। वो स्कूल में एक पागलाती आ गया है। पागलाती तो हमारे स्कूल में पहले से, लेकिन वो तो हमारे साथ था। हाँ, पर तुम क्यों भागे? क्योंकि वो हमारे पीछे भाग रहा था। हाँ, गलत। पागलाती हमारे साथ था और अभी भी हमारे सामने ही है। हाँ। कौन कौन कौन? आप। मैं पागलाती। पागल हम, हाथी। हाथी मैं। राइट 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 राइट। मैं हाथी ना। सॉरी। लगता वो हाथी भी यहीं आ गया है। क्या तू कुछ भी बोलता है मानो। उसकी आवाज पहचान है। सॉरी सॉरी, आवाज नहीं। अभी मुझे देखना पड़ेगा। कैसे देखेगा? अरे मतलब कैसे देखेगा? बालवीर है क्या? तेरे पीठ पे चढ़कर। वाह, मुफ्त में हाथी की सवारी। वाह। चुप। पहले तुम मुझे इस मोंटू के ऊपर चढ़ाओ। चलो। Best of luck. Come on, Mana. Mana. ऊपर हाथी है क्या? वो हाथी बिल्कुल हमारे पास ही है। क्या? रुक रुक रुक। हाथी वो हाथी लगता है यहीं पर आ रहा है। चलो चुप जाते। चलो बालवीर, बालवीर, अच्छा हुआ तुम आ गए। स्कूल में बड़ा सा हाथी घुस आया है। हाँ, मैं जानता, वो महागजनी जो बहुत गुस्से में, लेकिन उसने किसी बच्चे को चोट तो नहीं पहुंचाई ना। जब तक ये हाथी स्कूल में है कुछ कह नहीं सकते बालवीर। सर, बच्चों, आप सब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना। मुझे पता था बालवीर, एक ना एक दिन तुम बच्चों को बचाने के लिए जरूर आओगे। लेकिन बालवीर, अभी भी कुछ बच्चे हैं जो मिल नहीं रहे। क्या, कौन है वो? सचिन है, मानव है, और भी कुछ बच्चे हैं बालवीर। बालवीर, कैसे भी करके तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। अगर उस हाथी की नजर बच्चों पर पड़ गई तो वो लोग खतरे में पड़ जाएंगे बालवीर। मेरे होते हुए कोई भी बच्चा खतरे में नहीं पड़ सकता है। मैं उस हाथी को, एक भी बच्चे को छूने भी नहीं दूंगा। हाँ बालवीर, हमें तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम जरूर हमारे फ्रेंड्स को यहाँ ले आओ। हाँ, लेकिन आप में से किसी ने भी किसी भी बच्चे को कहीं पे जाते हुए देखा है क्या? हाथी हमारे पीछे भाग रहा था और मैं गिर गई, उस वजह से हम सब अलग हो गए। कोई बात नहीं बालवीर, कैसे भी करके उनका पता लगाओ बालवीर, प्लीज। मैं पता लगा लूंगा। हाँ, बस एक बार वो बच्चे मुझे पुकार ले, फिर मैं उनके पास एक पल में पहुंच जाऊंगा। नहीं, लगता हाथी गया। पर गया कहाँ? हाथी यही तो है।
फटकली, ये मजाक का टाइम है। सॉरी। हाँ, ये मजाक करने का नहीं, ये खाना खाने का टाइम है। ये ले, मुक्का खा। नहीं 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 नहीं। अरे मोंटू, तू झगड़ा करना बंद कर। अरे पर अभी हमें ये सोचना है, हम इस गड्ढे से बाहर कैसे निकलेंगे। मोंटू बस के ऊपर चढ़कर जा सकते हैं। क्या? नहीं नहीं, मेरे ऊपर चढ़कर कोई नहीं जाएगा। तुम सब ऊपर चढ़ेंगे तो मुझे कौन चढ़ाएगा? अच्छा ठीक है, पर तू तो गड्ढे से बाहर निकल जाएगा, फिर हमें कौन इस गड्ढे से बाहर निकालेगा? रस्सी है ना। हाँ, लेकिन उसके लिए भी पहले मानव को ऊपर चढ़ना होगा ना। हाँ, चल मानव। चल मानव, मान कमान मानव। नहीं मानव, गो। हाँ बॉस। वेरी गुड वेरी गुड। मानो, ऊपर हाथी है? नहीं, हाथी नहीं है। जा जा, ऊपर जा। वैसे देखो, जल्दी दो। ये ले। धक्का मारो। अरे कौन ट्रैक्टर को धक्का दे रहा है? हेल्प करो सचिन। शाबाश मोंटू बॉस, अब हमें निकालो। केवल अच्छा, रोहित। अब सचिन बाकी है। सचिन आजा आजा आजा, चलो खींचो बॉस। ये हाथी तो वापस आ गया। अरे भागो! अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मोंटू! मानव भाग! नहीं, तुझे जाना है तो जा, मैं सचिन के बिना नहीं जाऊंगा। पागल मत बन मानव, हाथी आ रहे, भाग। मैं पागल नहीं, मैं एक दोस्त हूँ, और कोई भी दोस्त अपने दोस्त को खतरे में छोड़कर नहीं भाग सकता। तेरी मर्जी। ये
टीवी के ऊपर भी एक भी ढंग का प्रोग्राम नहीं आ रहा है। इससे तो अच्छा है न्यूज चैनल देखो। आया है और वो हाथी बच्चों पर हमला कर रहा है। अरे ये तो अपने ही बच्चों का स्कूल है। उस हाथी की वजह से बच्चे खतरे में पड़ गए हैं। लेकिन वो हाथी किसका है और वो जंगल से स्कूल तक कैसे पहुंचा? ये कोई नहीं जानता। महेश, मीता बहू, शुभांगी, क्या हुआ बाबूजी? क्या है आफत? बच्चों की स्कूल में आफत आ गई है। फैला दिया है। महेश, हाँ हमारे बच्चे ठीक तो होंगे ना? महेश बाबू, आप प्लीज गज्जा उनको फोन करके पूछिए ना, वहाँ सब ठीक है या नहीं। लेकिन सुकून की बात यह है कि बालवीर वहाँ आ गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि बालवीर उस हाथी को शांत कर पाएगा और उसे नियंत्रण में ले पाएगा। अब सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं सब ठीक होगा या नहीं, मैं स्कूल जा रही हूँ। भाभी भाभी रुकिए, आप रुकिए, आप मत जाइए भाभी। भाभी जी रुकिए, आप रुकिए, भाभी जी आप रुकिए। देखिए गजानन है ना वहाँ पे, और मैं जाता हूँ। हाँ महेश बेटा तू जा और उनको संभाल के लेके आ। हो रहा है सब कुछ वैसा ही चाहती थी, जैसा परी भयंकर है। पहुंच गई महागजनी पृथ्वी लोक पे और बना रही है बच्चों को अपना शिकार। कहा था सही परी भयंकर ने, अपने पुत्र बच्चों के नाम मिलने पे मचा देगी वो पृथ्वी लोक पे तबाही। अरे तो चलो देखता हूँ मैं भी उसकी मचाई हुई तबाही के कुछ दृश्य। जाने से पहले बदल लेता हूँ अपना रूप ताकि मैं देख सकूँ सब कुछ आराम से। अच्छा याद रख, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। तुम मुझे सच्ची में दोस्त मानते हैं? हाँ सच्ची, जैसे मेरे पापा और तेरे पापा आपस में दोस्त हैं वैसे मैं भी तुझे अपना दोस्त मानता हूँ। लेकिन तू मुझे क्यों नहीं मानता? मानता हूँ इसीलिए सॉरी। सॉरी सॉरी, अरे सॉरी सॉरी नहीं बोलना था ना। मैं भी ना एकदम इडियट हूँ। यश की बातों में आकर ना मैं तेरे बारे में कितना गलत सोच रहा था। वो यश भी तेरे बारे में बहुत बुरा बोल रहा था। मानो तुझे यश को अपना दोस्त बनाना ही नहीं चाहिए था। हैं? मैंने कब उसे अपना दोस्त बनाया? वो तो तेरा दोस्त है ना, फिर ना मेरा दोस्त है। दोस्त? वो भी मेरा? नहीं नहीं वो मेरा दोस्त नहीं है, दोस्त तो दूर की बात, मैंने तो उसे देखा तक नहीं है। मुझे तो लगता था कि वो तेरा दोस्त है, मैंने भी आज तक उसे देखा नहीं है। तो फिर यश है कौन? पता नहीं, रोहित केवल मुझे बता रहे थे यश के बारे में और मोंटू मुझे यश के बारे में बताया था।